वैसे तो यातायात पुलिस में सैकड़ों कर्मचारी और अधिकारियों का अमला है, लेकिन शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मजबूरी में आम आदमी को सड़क पर उतरना पड़ता है। उज्जैन में यातायात पुलिस में 2 इंस्पेक्टर व 5 सब इंस्पेक्टर समेत 112 पुलिस कर्मियों का फोर्स है। उज्जैन में रोज करीब 40 स्थानों पर यातायात पुलिस की ड्यूटी लगती है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बताया कि जलसे जुलूस के कारण ज्यादातर बल उसी को संभालने में लगा रहता है और बाकी समय लोगों के चालान काटने में लगा रहता है। अब यह सरकार के लिए राजस्व कमाता है या अपने लिए, यह अलग बात है, मगर इसके चलते यातायात व्यवस्था भगवान भरोसे ही रहती है। फ्रीगंज ब्रिज पर यातायात का दबाव इन दिनों बढ़ गया है। 0 पॉइंट ब्रिज बंद होने से फ्रीगंज ब्रिज पर जाम लगा है। गुरुवार दोपहर को एक अजीब वाक्या नजर आया जब फ्रीगंज ओवर ब्रिज पर एक युवक ट्रैफिक कंट्रोल करते दिखा। वहां पर ना तो यातायात पुलिस दिखी और ना ही ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार अफसर। युवक जब जाम को कंट्रोल कर रहा था तभी एक वर्दीधारी भी गुजरा। उसने युवक को देखा लेकिन रुकने की जहमत नहीं उठाई। इस युवक का नाम है मनोज पटेल। उसने बताया वह किसी जरूरी काम से फ्रीगंज जा रहा था। चामुंडा माता मंदिर चौराहे से ओवर ब्रिज पर पहुंचा तो देखा कुछ लोग रॉन्ग साइड से आ जा रहे थे। बस मैंने अपनी गाड़ी रोक दी, वहां रॉन्ग साइड आने जाने वाले लोगों को समझाइश देने लगा। इसी बीच एक ट्रैक्टर चालक रॉन्ग साइड जाने लगा, उसे रोक कर वापिस भेजा। बाइक सवार एक युवक भी रॉन्ग साइड आ रहा था। ऐसे में ही एक्सीडेंट होते हैं। करीब 15 मिनट तक ट्रैफिक व्यवस्था को संभाले हुए था, उसके बाद युवक वहां से चला गया। मनोज ने कहा कि हम सब पुलिस और प्रशासन के जिम्मे छोड़ देते हैं, हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। सभी कुछ प्रशासन के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। पुलिस कितना भी चालान क्यों ना काट ले, जब तक हम नहीं जागरूक होंगे तब तक सड़क हादसे होते रहेंगे। मनोज का कहना था कि सरकार नियम कानून जनता के हित के लिए ही बनाती है, ऐसे में कायदों को दरकिनार करने से हमें ही नुकसान होता है। पुल पर रॉन्ग साइड चलने से एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। रॉन्ग साइड चलने वाले अपनी जान तो जोखिम में डालते ही हैं, दूसरों के लिए भी खतरा बनते हैं। रोड की बहुत बेकार स्थिति, इसमें सबसे ज्यादा उज्जैन का ट्रैफिक रहता है इस पे। मगर इसमें क्या है कि सर आम पब्लिक समझना नहीं चाह रही है। आप पुलिस प्रशासन भी क्या करेगी सर, ये बताइए मुझे, कितने चालान काटेगी? जब तक आम आदमी नहीं समझेगा तब तक काम नहीं हो पाएगा। सर कुछ नहीं, मेरे थोड़ी है, जो दो लोग उल्टे सीधे चल रहे थे और एक्सीडेंट हो रहा है, आपस में टकरा रहे हैं, मगर फिर भी समझने को कोई तैयार नहीं है। टकराना पसंद है मगर हम साइड में नहीं चलेंगे। मेरे लोगों से ये अनुरोध है हाथ जोड़ के कि सर कृपया अपनी जो रोड है उसमें चलें। यातायात अधिकारी के अनुसार अब ग्रैंड होटल चौराहे के पास ट्रैफिक पुलिस तैनात की जाएगी। रॉन्ग साइड चलने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही शुरू करेंगे। उन्होंने मनोज के इस कदम की सराहना की, बोले जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, रॉन्ग साइड चलने से सबको परेशानी उठानी पड़ती है।